नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आदिवासी विवाह सम्मेलन में 14 जोड़े बंधे परिणय सूत्र में। आंधी की ग्राम पंचायत रायसर के बाकी माता धाम देवी तला में आदिवासी मीणा समाज का नवम सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। बता दें, इस विवाह सम्मेलन में 14 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। इस दौरान मीडिया प्रभारी किशन लाल मीणा थली ने बताया कि अलग अलग मंडपों में 14 वर वधु ने वैदिक मंत्र उच्चार के साथ हिंदू रीति रिवाज से वैवाहिक रस्में निभाई। इस अवसर पर पूर्व विधायक मंत्री बस्सी कन्हैया लाल मीणा ने आयोजनों को समाज की सोच में बदलाव के लिए काफी अहम बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह सिर्फ एक विवाह का आयोजन भर नहीं है, अपितु इसके प्रभाव और समाज हित में लाभ बड़े दूरगामी हैं। सामूहिक विवाह का बढ़ता प्रचलन समाज के भले के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इससे समय की बर्बादी, दान दहेज और फिजूल खर्ची जैसी कुरीतियों से भी समाज को मुक्ति मिल सकती है। इस अवसर पर पूर्व विधायक मंत्री बस्सी कन्हैया लाल मीणा, पूर्व विधायक जमा रामगढ़ जगदीश मीणा, पंचायत समिति सदस्य सुमन मीणा, एडवोकेट मान सिंह मीणा, आंधी पंचायत समिति प्रधान मानसी मीणा, भाजपा नेता महेंद्र पाल मीणा, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद प्रदेश अध्यक्ष मीडिया प्रभारी राकेश सुसावत सहित कई लोग मौजूद रहे। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीएमआर भारत टीवी।